हे ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोग के साथ मैं 3 डिफरेंट DIY शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने बनाया है वेस्ट मटेरियल से। जी हाँ, आप वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारी चीज़ बना के अपने होम को डेकोर कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरे तरह होम डेकोर करना पसंद है तो आप इस तरह से घर पे ही इजी चीज़ें हमारे वेस्ट मटेरियल से बना के इजीली आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे थिक पेपर एंड 6x10 cm का इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है एंड दोनों तरफ इस तरह से हम हाफ सर्कल बनाएंगे। वंस इस तरह का पैटर्न जो है यानी कि शेप जो है वो बन जाए तो आपको इसी को ही यूज़ करके आप बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न जो है कट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने सर्कल्स, कुछ मैंने रेक्टेंगल एंड कुछ मैं ट्राइंगल्स कट कर ली हूँ। एंड वंस ये डन होने के बाद आपको बस अरेंज करना है, देन आपको ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये आपको इजीली मिल जाएगा। यानी कि एक बार आप सेट करने के बाद आपको किस तरह से इसको हैंग करना है यानी कि किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है वो आप इसको सेट कर लेंगे। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कलरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है शेप ग्रीन के साथ वाइट कलर। थोड़ा सा मुझे लाइटर शेड चाहिए था इसलिए मैंने इस पर वाइट थोड़ा सा ऐड किया है एंड डिफरेंट पैटर्न हिसाब से आपको कलरिंग करनी है। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैं येलो के साथ वाइट ले रही हूँ। 2-3 कलर ही मैंने यूज़ किया है पूरा ये वाला DIY को कम्प्लीट करने के, यानी कि वॉल हैंगिंग को कम्प्लीट करने के लिए। सो आप थोड़ा सा लाइट एंड थोड़ा सा डार्क कलर लेके आप सेम जितना भी आपने शेप्स कट किया है उसको आप कलरिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक डिज़ाइन यानी कि एक एक शेप में भी मैंने 2-3 कलर्स भी यूज़ किए हैं। एंड वंस हमारा कलरिंग हो जाने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड वंस ये अच्छे तरह से ड्राई हो जाएगा जब कलर जो है, सो इसके ऊपर हम कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आप पैटर्न ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हैं एंड ब्लैक कलर या फिर कोई अलग कलर यानी कि कॉन्ट्रास्ट करके, या तो फिर आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। वंस हमारे सारे पैटर्न्स जो है वो कलरिंग हो जाने के बाद हम दो इस तरह से स्टिक्स बनाएंगे जिस पे कि हम सारे पैटर्न्स जो है उसको अरेंज करके इस पे हैंग करने वाले हैं। तो इस तरह से दो मैंने ले लिया है एंड दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है ग्लू के साथ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मार्कर ली हूँ एंड कुछ पैटर्न इसके अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई अगर अलग वाला इस तरह से स्केच पेन वगैरह ले सकते हैं या तो फिर आप नॉर्मली 0 नंबर ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। सो कुछ लाइंस एंड ऑल इस तरह से मैंने क्रिएट किया है एंड देन हम इस पर सिलाई कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैं इसका अरेंज कर रही हूँ एंड सेम उसी पैटर्न में यानी कि सेम वही डिज़ाइन जो है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। थोड़ा सा गैप हमें देना है सो दैट जो हमारा ब्लैक कलर का थ्रेड है वो दिखेगा। एंड इस तरह से मैं 2 बार इसके अंदर नॉट लगा के इसको सिलाई कर लूँगी। बहुत ही इजी है ये एंड थोड़ा सा बस गैप देना है सो दैट ये इजीली हैंग हो जाए। अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो आपस में यानी कि टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी शेप्स हैं उन लोगों को आपस में सिलाई कर रही हूँ। बस हैंड से ही सिलाई करनी है एंड मैं 2 बार इस तरह से थ्रेड जो है लेके एंड डबल नॉट लगा रही हूँ। बस एक प्रॉपर गैप देना है दोनों शेप्स के बीच में। सो यही जो स्टेप है इसको फॉलो करनी है एंड जितने भी हम लोग ने शेप्स कट किए थे उन लोग को आपस में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है एंड देन मैं कुछ छोटे छोटे शेप्स यानी कि सर्कल्स वगैरह कट की थी एंड वो मैं लास्ट में ये पैटर्न के ऊपर ही यानी कि शेप्स के ऊपर ही मैं लास्ट में पेस्ट की हूँ। सो कुछ हम लोग इस तरह से सिलाई करेंगे एंड कुछ हम लोग इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं अपना ये डिज़ाइन रेडी कर चुकी हूँ एंड आप देख सकते हैं बाकी सारे डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी एंड इनको बस आपस में हम लोग को हैंग करनी है। आई होप आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इस तरह से आप देख सकते हैं एक बार मेरा सारा पैटर्न जो है सिलाई हो जाने के बाद मैं कुछ छोटे छोटे सर्कल्स ली हूँ एंड उसको इस तरह से मैं स्टिक कर रही हूँ। एंड बस आपको ध्यान में रखनी है कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से करनी है एंड आपका जो एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग जो है वो बन के रेडी हो जाएगा।
बहुत ही इजीली आप देखिए कैसे डिफरेंट पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न सेम सर्कल से आप बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा सारा जो भी स्टिच करना था, जो भी हम लोग को लगानी थी, वो हो चुका है एंड आप अभी देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड ईयर है। सो इसके लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस जो कि हमारे घर में हमेशा पड़े ही रहते हैं। एंड इसको अच्छे तरह से हम लोग को ओपन कर लेना है एंड इस तरह से आपको वन स्केल का जो है गैप लेके स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। सो इस तरह से हमारे जो स्ट्रिप्स हैं अभी कट हो चुके हैं। अब कुछ हम लोग अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे इंग्लिश का, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है होम। सो इस तरह के वॉल हैंगिंग जो है, यानी कि वॉल डेकोर वाली चीज़ें जो है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं मार्केट में। एंड अगर आपको भी मेरी तरह से, जैसे कि मैं पसंद करती हूँ कि मेरा हमेशा घर का जो लुक है वो चेंज होता रहे, सो जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है वो सीज़न के हिसाब से, तो अगर आपको इस तरह से पसंद है अपना घर को सजाना एंड अगर आप सेम जो डेकोर है उसको देख देख के बोर हो जाते हैं ना, तो इस तरह से आप जो है घर पे ही DIYs बना के अपने घर को बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओ, जो कि HOME लिखने वाला है, तो H हो गया है, M हो गया है, E हो चुका है, तो अब हमारा O के लिए बारी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक रेक्टेंगल बना लिया एंड उसके जो चारों साइड से कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मैंने बना के जो है O बना लिया है, यानी कि थोड़ा सा कर्व लाइन्स हम ऐड करेंगे एंड इस तरह से हमारा एक ओ बन के रेडी हो जाएगा। तो वंस हम लोग का सारा जो है पैटर्न्स, यानी कि सारा अल्फ़ाबेट्स जो है वो रेडी हो जाने के बाद, आपस में इस तरह से आपको अरेंज कर लेनी है एंड देन हम ग्लू के हेल्प से इसको स्टिक कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओ में और नीचे वाला जो स्ट्रिप है इस पर थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन वाला कैंची यूज़ किया है, थोड़ा सा पैटर्न अलग लगेगा इसलिए। एंड इस तरह से हम लोग को ग्लू अच्छे तरह से स्टिक कर लेनी है एंड वंस ये स्टिक हो जाने के बाद हम लोग इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ करने वाले हैं। एंड एज हम लोग ये कार्डबोर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। वंस ब्लैक कलर जो है वो अच्छे तरह से ड्राई हो जाने के बाद, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टाइप का पॉल मेटालिक कलर है ये एंड ये वाला यूज़ की हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली खाली ब्लैक से ही कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड एंड लास्ट DIY ऑफ द डे। सो यहाँ पे ये वाले DIY के लिए मैंने यूज़ किया है ये ऑल फिक्स, या फिर आप इसके जगह पे फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपके पास हॉट ग्लू है ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये DIY। सो इस तरह से आपको बस ये पॉप स्टिक्स जो है, यानी कि आइसक्रीम स्टिक्स जो है, इसको आप बस इस तरह से अरेंज करनी है। मैं बेसिकली यहाँ पे दो हार्ट बनाने वाली हूँ। सो ईच ऑफ दिस हार्ट पे हम लोग को 10 स्टिक्स की ज़रूरत है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं बस अरेंज ही करनी है, कुछ ज़्यादा इस पर तामझाम वाला काम कुछ है ही नहीं। बहुत ही ईजिली ये DIY 5 to 10 मिनट्स में आपका बनकर रेडी हो जाएगा। बस जो टाइम लगने वाली है ना, वो स्टिक को जो है सूखने के लिए जो टाइम लगने वाली है, बस उतना ही टाइम हमें चाहिए। सो अब आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो हार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप दो तीन जितना भी आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो हार्ट से लिए हैं एंड इस तरह से दो हमारा बन के रेडी हो गया है। आपस में इसको अब हम लोग स्टिक कर लेंगे। सो यहाँ पे आप और भी नंबर्स ऑफ हार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दो यूज़ किया है। सो अब इसको मैं अच्छे तरह से सूखने के लिए छोड़ देती हूँ 5 to 10 मिनट्स एंड देन मैं यहाँ पे दो डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है टेल ब्लू कलर एंड रेड कलर। आप चाहे तो कोई और कलर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड गोल्डन, येलो और रेड, इस तरह से जो भी आपका जो है फेवरेट कलर है उस तरह से। एंड यहाँ पर अभी हम लोग कोई पानी ऐड नहीं करने वाले हैं पेंट के साथ एंड कोई भी राउंड ब्रश लेके इस तरह से आपको कलर कर लेनी है। बहुत ही इजी है ये DIY एंड अभी आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। सो आई होप आपको तीनों DIY बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।